गर्मी का मौसम है और सबको मज़ेदार टैंगी आम पापड़ बहुत पसंद है, तो आज हम आम पापड़ बनाने जा रहे हैं। हमने मीठे आम ले लिए हैं, ये मेरे हाफ के जी आम हैं और मैंने इनको कट करके रख दिया है वॉश करके अच्छे से। अब हम इनको प्यूरी फॉर्म में बनाएंगे। ये प्यूरी तैयार हो गया है और इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक पैन के अंदर और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल लगातार स्टर करते रहेंगे और इसमें हम हमी अभी 1 कटोरी शुगर ऐड करेंगे। ये अच्छे से कुक हो गया है और अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इजीली इसको स्प्रेड करने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और इसको हम इस तरह से चारों तरफ पतला पतला फैला देंगे। आम पापड़ मेरा सूख गया है और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती हूँ जिस मैंने प्लेट पर फैलाया था। और इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह से उतर रहा है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा आम पापड़ बिल्कुल रेडी है, सूख चुका है और इसको ड्राई होने के बाद हमने इस तरह से इसमें कट्स लगा दिए हैं और अब हम इसको छेने के साथ रोल करने जा रहे हैं। अंदर हमने छेना फिल किया है, होममेड छेना है और हम इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। इन रोल्स को हम छेने के साथ ही इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इनको इस तरह से रोल करते जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है एकदम टैंगी टेस्टी और यमी आम पापड़ रोल। ये होममेड छेना से बने हैं तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।